मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के सरकार के फैसले को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा बुलाए गए जम्मू बंद को लेकर पूछे सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं और स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का हर फैसला यहाँ के नागरिकों के हक के लिए है और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं और नियम बनाते समय जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, जम्मू बंद का आह्वान किया लेकिन विफल दिख रहा है। लगता है आपको कि जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, यूं को समझते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। सर, ऑपोजिशन पार्टीज ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, ये मुद्दे जो बताए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स बताया जा रहा है, उनका कहना है कि गलत समय पर लगाया गया और चेकी मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करता हूँ और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूँ, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अम्बाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1,000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज़ पर अधिकतम 1 वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर अधिकतम 1 वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम 1 साल में 5,000 रुपये देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। इसमें अगर कुछ सरलीकरण करना है, जनता को सुविधा दी जा सकती है तो हम जरूर करेंगे और दरवाजे बातचीत के सदैव खुले हैं। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अटैक को लेकर कुछ लोगों के अंदर जो युवा है उनमें नाराजगी है।